प्रोग्रामिंग में बग को बग क्यों कहते हैं, कभी सोचा है आपने? 1946 में ग्रेस हॉपर जब मार्क टू कंप्यूटर में काम कर रही थी तो एक मौत यानी कि कीड़ा एक्चुअल में ट्रैप हो गया था उनके मैकेनिकल कंप्यूटर में। जो बग था वो उनके इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर में फंस गया जिसकी वजह से उनके ऑपरेटर का रिजल्ट गलत आया। सुनने में बड़ा फनी लगता है लेकिन उस बग को निकाला गया बाहर कंप्यूटर से और एक लॉग बुक से टेप कर दिया गया। और तब के बाद से प्रोग्रामिंग में जब भी कोई ग्लिच आता है उसको हम लोग बग कहते हैं।